No. कहाँ खोई भी हो और ये क्या सुन रही हूँ मेरे बिचारे भाई को तुमने फिर तंग करना शुरू कर दिया भाई मतलब आफाक आपके सगे हो गए और मैं गैर हो गई हूँ भाई तो मैं हमेशा से हूँ लाली मैं कोई तंग वंग नहीं कर रही हूँ इन्होंने मेरी शिकायत लगाई होगी अच्छा तो फिर ये जो तुमने उसको बोला है कि हनीमून पे नहीं जा रही मैं वो क्या बात है लाली मैं मना तो नहीं कर रही हूँ ना बस इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है क्या मतलब है क्या चल रहा है मतलब लाली एक दो महीने के बाद भी तो जा सकते हैं ना ठीक है फिर मैं अकेला चला जाता हूँ क्या ख्याल है लाली क्या हनीमून पर अकेले अरे नहीं नहीं लंदन देखा देखा लाली आपने ये हमेशा लंदन जाने की बात करके ना मुझे फिजूल में परेशान करते रहते हैं तो मुझे तुम बताओ अगर तुम साथ नहीं जाओगे बेचारे के तो अकेले तो जाना ही पड़ेगा ना कुछ तो करना है अपने साथ उसने हाँ लाली मतलब आप भी अब आफाक की साइड लेंगी हाँ बिल्कुल हद है अस्सलाम वालेकुम हवातीनो हजरत वालेकुम सलाम आ गए जिनका इंतजार था तुम भी जवाब दे दो आपको नजर नहीं आ रहा मूड खराब है उनका वो तो हमेशा से ही रहता है तो चलो यार चलते हैं आसिम आया हुआ यूके से हाँ चलो वैसे भी यहाँ का माहौल बहुत गर्म है हनी तुम्हारी शादी हो चुकी है अपनी मनमानियां खत्म कर दो ना लाली आपने देखा नहीं अब वो मुझे किस तरीके से परेशान करते हैं है ना मर्द का दिल आसमान की तरह वसी होता है लेकिन उसकी मोहब्बत को घटते या बढ़ते हुए वक्त नहीं लगता हर औरत को कोशिश करनी चाहिए कि अपने शौहर के दिल में जो उसके लिए मोहब्बत है उसको कभी मदहम ना होने दे नहीं लाली आफाक बहुत अच्छे हैं इतने अच्छे हैं कि शायद मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी काश तो ठीक है ना अच्छे हैं तो ख्याल रखो हर किसी की किस्मत में इतने अच्छे शौहर नहीं होते और जिसकी किस्मत में है उसको चाहिए कि कदर करे तो कदर करो उसकी मोहब्बत की भी और उसकी भी ठीक है और अब मुझे कोई नखरा या बहाना नहीं चाहिए मुझे वो मिलेगा मैं उसको बोल दूंगी कि तुम हनीमून पे जाने के लिए तैयार भी और बहुत खुश भी ठीक है ठीक है काश सैफी भाई भी बिल्कुल आफाक जैसे होते सुनियारा सुनियारा